एक स्टार्टअप फाउंडर बहुत कुछ सोचकर अपना स्टार्टअप शुरू करता है जब भी कोई एक नया बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए वो पूरा पूरा जाता है है वो वो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम को को सॉल्व सॉल्व करना चाहता है और उस को करने के लिए वो पूरी, पूरी जान लगा देता है पर रास्ता इतना आसान नहीं होता है उस स्टार्टअप को बिल्ड करते वक्त उसके पास में बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और वो उसको खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करता है खुद ही सीखने की कोशिश करता है बहुत सारे फाउंडर्स तो इसके अंदर फेल भी हो जाते हैं पर जो बचते हैं वो अपना टाइम एनर्जी एफर्ट सब कुछ एक्स्ट्रा लगाते हैं एक ऐसी चीज को करने के लिए जो कि शायद कोई उसको करके दे सकता था एक ऐसी चीज जिसके लिए अगर किसी से हेल्प मांगता तो शायद वो चीज उसकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसके चक्कर में एक स्टार्टअप फाउंडर हेल्प नहीं मांगता है अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो हेल्प आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो आज मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों एक स्टार्टअप फाउंडर हेल्प लेने से कतर आता है और एज अ फाउंडर हमको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए सबसे पहला और मेजर पॉइंट जो मैंने देखा है स्टार्टअप फाउंडर सोचता है कि यार मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं मैं किसी से हेल्प कैसे मांग सकता हूं अगर मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो मैं छोटा दिखाई दूंगा या फिर मैं इनकॉम्पिटेंट दिखाई दूंगा कि है इसको ये चीज नहीं आती है समझ नहीं आता कि... आज के टाइम पे जो स्टार्टअप फाउंडर्स है ना वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए वो नहीं चाहते कि उनकी इमेज खराब हो अब उस इमेज के चक्कर में चाहे उनका टाइम एफर्ट चाहे उनकी स्टार्टअप डूब जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है आज एक ऐसा जमाना है जहां पर स्टार्टअप फंडिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और स्टार्टअप फाउंडर्स को लगता है कि अगर हम हेल्प मांगेंगे तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगेगा कि हम वीक है और शायद हमको फंडिंग नहीं मिलेगी ये पूरी पूरी मिथ है ऐसा नहीं होता है एक स्टार्टअप फाउंडर अगर हेल्प मांगता है ना तो इन्वेस्टर्स की नज़र में वो बड़ा होता है कि हाँ ये सीखना चाहता है ये ग्रो करना चाहता है कई फाउंडर्स के साथ में मैंने ये देखा है वो अपने टीम मेंबर से भी एडवाइस लेने से कतराते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने टीम से एडवाइस ले ली या कुछ इनोवेटिव आइडियाज अपनी टीम से ले लिए तो अपनी टीम की नजर में गिर जाऊंगा मैं अपनी बात करके चलता हूँ तो अगर मेरे पास में कोई आइडिया होता है या फिर मैं कुछ भी प्लान भी कर रहा होता हूँ ना तो सबसे पहले मैं सबके साथ डिस्कस करता हूँ देखो मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ ठीक लग रहा है ना तुमको ठीक लग रहा है तुमको क्या प्रॉब्लम लग रही है इसके अंदर तुमको क्या प्रॉब्लम लग रही है और अगर मुझे कोई लगता है जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी टीम के अंदर जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उस प्रोडक्ट का जो ऑडियंस हो सकती है वो उनके पेरेंट्स हो सकती है तो मैं कहता हूँ अपने पापा से पूछ क्या वो एक प्रोडक्ट यूज करना चाहेगी क्या उनके लिए एक चीज सही है या फिर नहीं है एक स्टार्टअप फाउंडर होने का मतलब ये नहीं है आपको दुनिया की सारी चीजें पता होगी आप झुक सकते हो झुकना गलत नहीं होता है कई लोगों को झुकने में एक ऑर्डर लगता है उनको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया ना तो मैं इम्पोस्टर लगूंगा मतलब मैं बेरूपिया लगूंगा मैं लगूंगा ये फेक फाउंडर है आज के टाइम पे इंटरनेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ फेक चल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आपको एस यू एक्सपर्ट कहते हैं पर उनकी खुद की वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस चल रहा है ये दिखा के कि मैं आज एक करोड़ रुपए कमा रहा हूँ देखो मैं एक करोड़ रुपए कमा रहा हूँ और एक्चुअली वो जो एक करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो अपनी ऑडियंस को चीजें बेच बेच के कमा रहे हैं उसके पीछे बैकबोन पे कुछ भी नहीं है तो इसके चक्कर में स्टार्टअप के अंदर बहुत सारी नेगेटिव इमेज भी बनती है फाउंडर की यार ये रुपया हो सकता है पर फाउंडर्स जो ईमानदार फाउंडर्स है वो डर जाते हैं हेल्प मांगने के लिए अगर मैं हेल्प मांग लूंगा तो सामने वाला सोचेगा कहीं मैं भी रुपया तो नहीं कहीं मैं भी तो चोर आदमी नहीं हूं कहीं फाउंडर सोचते हैं कि यार मैं किसी और से हेल्प मांगा इससे बढ़िया मैं खुद ही कर लेता हूं मैं खुद करूंगा तो जल्दी हो जाएगा किसी और से कराऊंगा तो मैं शायद टाइम वेस्ट कर पाऊंगा देखो सिंपल सी बात एज अ फाउंडर हमारी बहुत सारी ड्यूटी होती है खाली एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं होती है हो सकता है कि अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं वो मैं अपने एक टीम मेंबर से फास्ट कर दू वो शायद डेढ़ घंटे में करेगा शायद मैं एक घंटे में कर दूं। पर ये बात है कि वो कर सकता है डेढ़ घंटे के अंदर क्यों ना मैं उसको वो काम डेलीगेट कर दूं और मैं जो मेरे पास में एक घंटा बचा है उसके अंदर मैं कोई और रिसोर्सफुल चीज कर लू तो ये जो डेलीगेशन है ना ये अपने आप में एक आर्ट है एक फाउंडर को अगर बड़ा ग्रो करना है ना तो इसको डेलीगेशन सीखनी पड़ेगी कि, कि किस तरीके से राइट बंदे को अपना काम ट्रांसफर किया जा सकता है और हम खुद रिलैक्स हो सकते हैं आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर देखा होगा कि बॉस कुछ काम नहीं कर रहा है इंप्लॉयज काम कर रहे हैं और इम्प्लॉइज गालियां दे रहे हैं कि बॉस ने मुझे काम दे दिया बॉस ने काम दे दिया सिंपल सी बात वो बॉस ने काम इसलिए दे दिया क्योंकि उसने सारा काम डेलीगेट कर दिया उससे सारा काम ऑटोमेट कर दिया है अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मैं कहूंगा होते हैं जिनको ये सारी चीजें पता है वो हेल्प लेना चाहते हैं पर उनके पास में राइट गाइडेंस नहीं है कि मैं मेंटर्स को कैसे ढूंढूं देखो मेंटर्स को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है आप जिस कैटेगरी के अंदर काम करते हो तो आपकी कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई, कोई टॉप प्लेयर्स हो शायद हो सकता है कि आप बहुत छोटे हो एकदम टॉप के पास नहीं जा सकते तो आपसे दुगुना पांच गुना दस गुना बड़ा तो कोई प्लेयर होगा जाओ उसको लिंक पे कनेक्ट करके देखो जाओ उससे एक बार मीटिंग करके देखो जाओ उसे एक बार मेल करके देखो अगर उसका नंबर मिलता है तो उससे फोन पे बात करके देखो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई एक टॉप लेवल के ऊपर होता है ना तो वो आपसे नीचे वालों की मदद करता है सिंपल सी बात जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो शायद वो पहले से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका है तभी वो उस लेवल के ऊपर बैठा है तो वो आपको वो इनसाइट्स दे पाएगा जो शायद आप नहीं सोच पाओगे तो सबसे आसान तरीका मेंटर ढूंढने का यही है बाकी आज के टाइम पे बहुत सारे ले बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं अब कोई मार्केटिंग वाला बंदा है तो वो मार्केटिंग की कंसल्टेशन दे पा रहा है कोई डैश वाला बंदा है तो डैश की कंसल्टेशन दे पा रहा है तो आप अपनी प्रॉब्लम उन कंसल्टेशन वाले लोगों के पास भी जा सकते हो अब कंसल्टेशन वालों के पास में पेड होने वाला है मेंटर्स फ्री भी हो सकते हैं इक्विटी पे भी हो सकते हैं या फिर मेंटर्स के साथ में भी कंसल्टेशन वाला मॉडल हो सकता है पेड मॉडल अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइस कितना होता है मेंटर्स का देखिए सिंपल सी बात कुछ लोग तो फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं कुछ लोग इक्विटी जो लेते हैं वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है उसके हिसाब से लेते हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है दो परसेंट से लेके मेरे दस दस परसेंट तक भी देखा है इक्विटी जाते हुए और अगर मैं कंसल्टेशन की बात करके चलू तो पांच हजार रुपए से कंसल्टेशन शुरू होती है बेसिक लेवल की और मैंने जो पर्सनल लेवल के ऊपर ली है वो छे सात सात लाख रुपए की कंसल्टेशन मिली है एक सेशन ठीक है मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक एक्सपर्ट के पास गया और उनसे बात करी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है मैंने तो अगर आपको स्टार्टअप रन करने में दिक्कत आ रही है कोई प्रॉब्लम आ रही है टेंशन लेने की बात नहीं है प्रॉब्लम सबको आती है आपको बस राइट right एडवाइस चाहिए राइट right हेल्प चाहिए राइट right इंसान से तो हमने ये नई सीरीज शुरू करी है कोशिश करूंगा यहां पर मैं डेली एक वीडियो डाल पाऊं आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के ऊपर ही मैं फोकस कर रहा हूँ या फिर वो लोग जो कि फ्यूचर में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ कोशिश करूंगा ये वीडियो क्विक हो टू द पॉइंट हो बाय गुड बायर गुदाफि गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं जय हिंद वंदे मातरम